जब भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र में आगमन होता है तो हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाता है। राजा बिंबिसार भी, जो वहां के राजा रहते हैं, हीरे मोती और रत्नों के उपहार उन्हें प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध देव सबके उपहार एक हाथ से सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। राजा के बाद मंत्रियों, सेठों और साहूकारों की बारी आती है, वह भी उन्हें बहुत कीमती उपहार देते हैं। बुद्ध देव सबके उपहार एक हाथ से लेकर दूसरी जगह रख देते हैं। इतने में एक बुढ़िया लाठी देखते हुए उनकी तरफ आती है और बुद्ध देव को प्रणाम कर कहती है, प्रभु, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे प्राप्त हुआ उस समय मैं ये अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं यह अध खाया हुआ फल ही आपको उपहार में देने चली आई। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे और मुझे भाग्यशाली बना देंगे। भगवान बुद्ध दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसका वह फल स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर राजा बिंबिसार कहते हैं, गुरुदेव, मुझे क्षमा करिए, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको इतने कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिनको आपने एक हाथ से ग्रहण किया और दूसरी तरफ रख दिया। वहीं इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे और झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, आप सबने आवश्यक बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु आपकी संपत्ति का वह दसवां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं दिया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत यदि आप इस बुढ़िया को देखें तो भूखे होने के बावजूद इसने मुझे अपने मुंह के कौर का आधा हिस्सा दे डाला। भले ही ये बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसमें संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि मुझे इसका दान खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको कुछ संदेश देगी और आप भी दान की महिमा को समझेंगे।